हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज, जिसका पार्ट टू जो है हम यहाँ करेंगे। तो ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्विज जो है क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 के ऊपर आधारित है। इससे पहले आप पार्ट 1 को काफ़ी अपना सहयोग दे चुके हैं और उसके क्वेश्चन की आपने काफ़ी सराहना की थी। तो आइए अब जो है इस सेकेंड पार्ट को लेते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन जो हैं पहले वाली क्विज की तरह। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी कि हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो इसका ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, और बी है B.R. अंबेडकर, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इस बुक के राइटर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। खिलाफत समिति का गठन 1919 में डैश शहर में किया गया था, यानी कि खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। तो ऑप्शन ए है बॉम्बे यानी कि बम्बई, बी जो है कलकत्ता, सी लखनऊ और डी अमृतसर। तो आपको बताना है इनमें से किस शहर में खिलाफत समिति का गठन 1919 में यानी कि 1919 में किया गया था। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए बॉम्बे यानी कि बम्बई। तो यहाँ पर बम्बई के अंदर 1919 में खिलाफत समिति का यानी कि खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। असहयोग खिलाफत आंदोलन, या जिसे सिर्फ खिलाफत आंदोलन भी कहते हैं, डैश से शुरू हुआ, यानी कि किस समय से शुरू हुआ, वो समय आपको बताना है। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन। तो ऑप्शन ए है जनवरी 1921 यानी कि जनवरी 1921, बी जो है फरवरी 1922 यानी कि फरवरी 1922, और सी जो है दिसंबर 1929 यानी कि दिसंबर 1929, और डी जो है अप्रैल 1919 यानी कि अप्रैल 1919। तो आपको बताना है कि ये कब शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए जनवरी 1921। तो जनवरी 1921 से खिलाफत आंदोलन जो है यानी कि खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो गांधी जी ने ये सफल जो उनका असहयोग आंदोलन था, और ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन कामयाब होगा और भारत जो है आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अचानक से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो उसके पीछे क्या कारण थे वो आपको बताने हैं। तो उसमें ऑप्शन ए है कि ब्रिटिश सरकार का दबाव यानी कि प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सी जो है गांधी जी की गिरफ्तारी यानी कि गांधी जी अरेस्ट, और डी जो है चोरा चोरी की घटना यानी कि चोरा चोरी इंसिडेंट। तो आपको बताना है कि किस वजह से गांधी जी ने इनको लिया, कि ब्रिटिश सरकार के दबाव में आ गए, या गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाना था उनको, या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, या चोरा चोरी की घटना की वजह से उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी चोरा चोरी घटना यानी कि चोरा चोरी इंसिडेंट। तो चोरा चोरी की घटना इस प्रकार है कि इसमें जो एक जुलूस जो निकाला जा रहा था चोरा चोरी का, की पुलिस चौकी के पास जाकर अचानक से वो भीड़ जो है हिंसक हो गई, और उन्होंने पुलिस चौकी में जो है आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस घटना की वजह से गांधी जी काफ़ी दुखी हुए, और वो जो है अपने आंदोलन में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना
से करते थे, उन्होंने इस घटना की वजह से जो है चोरा चोरी कांड की वजह से इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्योंकि एक दूसरा कारण ये भी है कि गांधी जी को ये पता था कि अगर शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो अंग्रेज उनको या उनके जो भी उसमें भाग ले रहे हैं कार्यकर्ता उनको जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन अगर हिंसा होगी तो वो जो है उनको आराम से जो है अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहाना हो जाएगा। इस तरह से उन्हें पता था कि यह आंदोलन अपने आप भी असफल हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों का दमन चक्र चालू हो जाएगा, इसलिए उससे पहले ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, बाबा रामचंद्र एक जो सन्यासी थे उन्होंने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे, यानी कि बाबा रामचंद्र ए सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। तो ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन यानी कि खिलाफत मूवमेंट, बी जो है आंध्र प्रदेश का मिलिटेंट गुरिल्ला आंदोलन यानी कि मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, और सी जो है अवध में किसानों का आंदोलन यानी कि पीसेंट मूवमेंट ऑफ अवध, और डी जो है बागान कार्यकर्ता आंदोलन आसाम यानी कि प्लांटेशन वर्कर मूवमेंट इन आसाम। तो आपको बताना है कि बाबा रामचंद्र इनमें जो कि एक सन्यासी थे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अवध में किसानों का आंदोलन यानी कि पीसेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। तो इस आंदोलन के जो थे वो अगवा थे और उन्होंने इस आंदोलन को जो है चालू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की, यानी कि हु सेट अप द अवध किसान सभा। तो ए जो है ऑप्शन वो है अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू, बी जो है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, सी जो है जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली, और डी जो है वो है महात्मा गांधी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है यानी कि किसने जो है अवध किसान सभा की स्थापना की थी। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। तो इन दोनों ने मिलके जो है अवध किसान सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्र ने इसकी मांग को औपचारिक रूप दिया, यानी कि ये जो नीचे कारण दिए हुए किस मांग को उन्होंने जो है औपचारिक रूप से कहा। तो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ, तो आपको बताना है कौन सी डिमांड थी। ए जो है नमक कर का उन्मूलन यानी कि अबॉलिश ऑफ साल्ट टैक्स, बी जो है पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सी जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार यानी कि बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन, और डी जो है दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट रेट फॉर द दलित्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसकी मांग जो है 1929 में जो है ये की गई थी 26 जनवरी 1929 को, इसीलिए जब हमारा संविधान जो है बनाया गया तो वो भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि पूर्ण स्वराज जो है वो हमारे को ऐसा माना गया कि हमारा अपना संविधान लागू होने के बाद ही मिला है, इसीलिए उसी याद में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज, ए जो है आयोग में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था यानी कि देयर वाज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, और बी जो है इसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की यानी कि इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और सी जो है आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, और डी जो है यह हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों का पक्षधर था यानी कि इट
फेवर्ड द मुस्लिम्स ओवर द हिंदूज। तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का इनमें से क्या कारण था, कि उसमें कोई ब्रिटिश मेंबर नहीं था, या वो हिंदू मुसलमानों को अलग अलग उन्होंने निर्वाचन मंडल बनाने की मांग करी थी साइमन कमीशन ने, या सी ये है कि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या डी ये है कि हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही थी। तो इसके में से कौन सा आंसर ठीक है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ऐसी आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस साइमन कमीशन के अंदर जितने भी सदस्य थे वो सभी के सभी जो है अंग्रेज़ थे, और भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इसमें कोई भारतीय सदस्य होना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। असहयोग आंदोलन में प्रयुक्त प्रदर्शन का एक रूप जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाने या कार्यालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हैं, अवरुद्ध करने का मतलब रोक देते हैं कि किसी को दुकान, कारखाने या कार्यालय में प्रवेश नहीं करने देते, तो ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिसेज, तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है बहिष्कार यानी कि बायकॉट, और बी जो है बेगार यानी कि बेगार, और सी जो है धरना यानी कि पिकेटिंग, और डी जो है बंद यानी कि बंद। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी धरना यानी कि पिकेटिंग। तो ऐसे योग आंदोलन के दौरान जो लोग थे प्रदर्शनकारी थे, शांतिपूर्वक तरीके से शराब की दुकानों या विदेशी कपड़े की वस्त्रों की दुकानों या कारखानों और सरकारी कार्यालयों के बाहर धरना देते थे और किसी को उनके अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे, तो इसीलिए जो है इसको जो है वहाँ पे वो बैठ जाते थे मार्ग रोक कर, इसलिए इसको धरना कहा जाता है। नंबर 10 है कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, यानी कि हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के भीतर ही एक और दल बनाया गया, जैसे नरम दल गरम दल थे उसी तरह से स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही, अलग पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा गया था, तो वो किस जोड़ी ने बनाई थी? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, बी जो है अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी यानी कि अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी, सी जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, और डी जो है वो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू यानी कि सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, यानी कि किस जोड़ी ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये जो हैं दोनों ने मिलके जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की, यानी कि हु फॉर्म्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। डिप्रेस्ड का मतलब है दबाए कुचले, दबे कुचले जो लोग हैं या उस वर्ग के लिए जो संगठन खड़ा किया गया वो 1930 में किसने उसे बनाया? तो ए है अल्लूरी सीताराम राजू, और बी जो है सी आर दास, सी है एम आर जयकर, और डी जो है बी आर अम्बेडकर। तो आपको बताना है किसने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को की स्थापना की, यानी कि उसकी फाउंडेशन रखी 1930 यानी कि 1930 में। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है ये डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1921 में हुए परिषद चुनावों में किस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया, यानी कि विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड इन
द ईयर 1921। तो जो इसमें जो 1921 में जो परिषद चुनाव हुए थे यानी कि काउंसिल इलेक्शन हुए थे, उसका जो है प्रोविज़न काउंसिल्स के, उनका किस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया था, तो वो पार्टियों के नाम है ए स्वराज पार्टी और बी जो है जस्टिस पार्टी, सी जो है मुस्लिम लीग और डी है कांग्रेस पार्टी। तो आपको बताना है किसने इसका बहिष्कार नहीं किया था, इसका मतलब उन्होंने उन चुनावों में भाग लिया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने इन चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था, बाकी ये स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन्होंने इस चुनावों का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बेगार शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेगार। तो उसमें आपके ऑप्शन हैं, वो हैं ध्यान से सुनिए, वो है ए जो है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने से रोकने के लिए एक अधिनियम, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा बिना पूर्व अनुमति के बागान श्रमिक चाय के बागानों को नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि एन एक्ट टू प्रिवेंट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। और बी जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण इलाकों में सैनिकों की जबरन भर्ती, यानी कि जबरदस्ती जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ग्रामीणों को यानी कि विलेजर्स को सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाता था, यानी कि द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन रूरल एरिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। और सी जो है ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान के योगदान करने के लिए मजबूर किया गया, योगदान का मतलब यहाँ श्रम से है, यानी कि बिना कोई भुगतान किए उनसे काम करवाना, ये मजबूर करना, ये जो है बेगार कहलाता है। तो लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। और डी जो है लोगों के साथ व्यवहार और सहयोग करने से इनकार करना या विरोध के रूप में गतिविधियों में भाग लेना, यानी कि डी जो है रिफ्यूज़ल टू डील द एसोसिएट द पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो आपको बताना है इसमें से बेगार किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, किस ऑप्शन के लिए, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान के उनसे जो है काम करवाना है, मेहनत करवाना, श्रम करवाना, उनके लिए मजबूर किया जाना, ये बेगार कहलाता है। तो बेगार प्रथा जो है उस समय काफ़ी प्रचलित थी गांव, खासकर गाँव के अंदर, जहां जो है उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो बिना किसी परिश्रमिक के दिन रात जो है दूसरों के खेतों में या घरों में काम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च जो है कहाँ से शुरू किया था, यानी कि वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च ऑन 12th March 1930। तो 1930 में जो इन्होंने ये मार्च शुरू किया, नमक मार्च या नमक आंदोलन, वो कहाँ से शुरू किया, तो ए है दांडी, बी चोरी चोरा, सी साबरमती और डी है सूरत। तो आपको बताना है कहाँ से ये शुरू किया गया, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी साबरमती, यानी कि 12 मार्च 1930 को साबरमती से महात्मा गांधी जी ने जो है इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, और उन्होंने जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो है, दांडी जो समुद्र के किनारे है, वहां जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया, यानी कि विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो आपको बताना है कि वो महान उद्योगपति कौन थे जिन्होंने जो है उस समय के अंग्रेजों के पिट्ठू ना बन के देशभक्ति का परिचय देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी सरकार, उसका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कर किया था। तो उसके लिए आपका ऑप्शंस हैं ए दिनशा पेटिट,
और बी जो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, और सी है द्वारकानाथ टैगोर, और डी जो है सेठ हुकम चंद। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो इन्होंने जो है इस अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर यानी कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो कॉलोनियल जो अटैक हो रहा था उसको वो काबू कर लेना चाहते थे ब्रिटिश, उसका उन्होंने विरोध किया। अगला क्वेश्चन है कि एक पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि को किसने देखा और चित्रित किया, यानी कि जो भारत माता का चित्र हम देखते हैं उसको सबसे पहले किसने उसकी कल्पना की और उसे बनाया। तो हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज भारत माता थ्रू ए पेंटिंग। तो उसका ऑप्शन ए है बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नताशा शास्त्री और डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना है वो महान चित्रकार कौन थे जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो उन्होंने ही भारत माता की परिकल्पना करके उनका चित्र जो सबसे पहले बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है साबरमती से दांडी तक गांधी जी के मार्च को डैश कहा जाता था, यानी कि गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज कॉल्ड डैश। तो उसका ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और बी जो है नमक मार्च यानी कि साल्ट मार्च, और सी जो है नील आंदोलन यानी कि नील मूवमेंट, और डी जो है चंपारण आंदोलन यानी कि चंपारण मूवमेंट। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी नमक मार्च यानी कि साल्ट मार्च। तो ये गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है ये साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो है पदयात्रा की थी, तो उसे नमक मार्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 मुस्लिम लीग की शुरुआत डैश के द्वारा की गई, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। द मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड बाय डैश। तो ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, तो और दूसरा है बी शौकत अली, और सी जो है मौलाना आज़ाद, और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और यही जो है भारत और पाकिस्तान के विवाद में विभाजन का एक कारण भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 स्वराज पार्टी की स्थापना डैश और डैश द्वारा की गई, यानी कि किन दो लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ए इसका जो है स्वराज पार्टी वाज सेट अप बाय डैश एंड डैश। तो इसका जो है ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह, और बी जो है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, सी जो है मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू, और डी जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगे को पहली बार डैश के समय डिजाइन किया गया, यानी कि जो भारतीय तिरंगा झंडा जो है उसका डिजाइन जो है सबसे पहले के जो है किस दौरान किया गया था, यानी कि द इंडियन ट्राइकलर वाज फर्स्ट डिजाइंड एट द टाइम ऑफ डैश। तो उसके लिए ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी जो है स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी मूवमेंट, और सी जो है चंपारण आंदोलन यानी कि चंपारण मूवमेंट, और डी जो है नमक मार्च यानी कि साल्ट मार्च। तो आपको बताना है ये किस के दौरान हुआ था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही सर्वप्रथम जो है भारतीय तिरंगे झंडे की जो है डिजाइन तैयार किया गया था। आपने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और जो है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।